8 और 9 मार्च को होने वाले प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा की तैयारी बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों के प्रभारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एडीएम सिटी ने सभी अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को परीक्षा को सुचिता के साथ सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। दो दिनों में दो दो पालियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 38 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 30,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जो वहां पर जो लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो आपके ऑब्जर्वर लगाए गए हैं स्टेटिक मजिस्ट्रेट उससे आप लोग तो इस बात की है सर कि एक दिन पहले यानी 8 तारीख को अगर एग्जाम है तो 7 तारीख को, क्योंकि इसमें इस परीक्षा बोर्ड परीक्षा से अलग आधे कक्ष निरीक्षक सर दूसरे विभाग के लगे हुए, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधे शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से कराई जानी है। इसका ध्यान रखिए कोई भी दूर होगा और इन निर्देशिका में सारी चीजें और उसके बाद में जो आपको और आपने बताया कि जो अब्सेंट है उसकी जो और अगर कोई कटी फिटी मिलती है तो दूसरी उसके सी अगर क्लियर है सी टाइप की देगी आप तो उसको एंट्री करने को अलग से प्रपत्र भर देगी उसको। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आधा घंटे पहले आप उसको एंट्री देंगे, उससे पहले एक घंटे पहले रैंडम रूप से जो बहुत बड़ा काम है कक्ष सचिव ड्यूटी का जो चार्ट बन जाएगा और किस बच्चे को ग्रुप नंबर कहाँ कहाँ जाना है वो बहुत जरूरी है इस परीक्षा में। और 10 मिनट के बाद किसी भी चाहे कोई भी आपके पास कुछ भी कहे 10 मिनट के बाद भी किसी को अलाउ नहीं करना है। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में सबसे अनुभवी मारवाड़ के जो प्रधानाचार्य साहब बैठे हुए हैं शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा आपके कॉलेज में ना होता हो, तो सावधानी रखनी है। जी गुप्ता जी से आई थी वो मैं अभी स्पष्ट कर दूं, सब लोग उसी तरह से पैकिंग कराएंगे। 8 और 9 मार्च को होनी है उसी की ये तैयारी बैठक थी। आज केंद्र व्यवस्थापक और इससे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की बैठक डीओएस साहब के साथ और हमारे साथ हुई है और उनको जरूरी इंस्ट्रक्शंस और बुकलेट वगैरह सब दे दी गई है ताकि सुचिता से ये परीक्षा हो और किसी प्रकार की नकल ना होने पाए, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने के लिए स्ट्रेस किया गया। ये 38 केंद्रों पर ये परीक्षा होनी है तो उसकी तैयारी चल रही है।